हल्का नारायणगढ़ के ब्लॉक शहजादपुर के मध्य आने वाली ग्राम पंचायत भूडमाजरी में रह रहे यूपी से गरीब प्रवासी मजदूर लॉकडाउन के चलते जूझ रहे हैं राशन की समस्या से। इन परिवारों को अब तक राशन भी उपलब्ध नहीं हुआ। इन परिवारों ने प्रशासन से भी गुहार लगाई कि इनके लिए जल्द से जल्द राशन का प्रबंध किया जाए ताकि इनके बच्चे भूखे न सोएं। जनमंच की आज़ादी न्यूज़ के लिए हल्का नारायणगढ़ से विनोद कुमार की रिपोर्ट। क्या डिमांड करते प्रशासन से आप? बस खाने के लिए। खाने के लिए, बस खाने की सुविधा हो जाए। कितने मेंबर? सब खत्म हो गई है। कितने मेंबर आप? सात है। सात मेंबर। ये आपके बच्चे हैं? जी बच्चे हैं। जो आपके गांव में बाहर से आए मजदूर आदमी, ये बोल रहे हैं कि हम राशन से बहुत परेशान हैं, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इनको सरकार से यही अनुराग करूंगा जी, इनको राशन दिया जाए। इनके पास काम था, काम बंद हो गया जी, काफ़ी दिन से बेचारे कोई काम कर नहीं पाई हैं जी। जितना का राशन था ख़त्म हो गया इनके पास। मैं अपनी सरकार से ये अनुरोध करूंगा कि इनको राशन दिया जाए जी। आपका परिचय जी? ग्राम पंचायत भूड माजरी, ब्लॉक जादपुर, तहसील नारायणगढ़, डिस्ट्रिक्ट अम्बाड़ा। पंचायत पंचायत। अपना परिचय सर? आपको परिचय सर? कमलजीत पंत, पंत जी। अच्छा। ग्राम भूड माजरी, डाकनसदारपुर, तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाला। मानक। मानक। आपका? रामजीत। राम। कितने बच्चे आपके? तीन है जी। परिवार में कौन कौन रहता है? परिवार में आपके साथ कौन कौन रहता है और कहाँ काम करते हो आप? यही भूड माजरी काम। परिवार में कौन कौन है आपके साथ? परिवार में ये तो मेरे भाई की लड़की है, ये मेरे साले हैं, ये मेरे तीन बच्चे हैं। ठीक है, तो आप अपने परिवार के साथ एक ही जगह रहते हो? हाँ जी। ठीक है सर, कितने समय से आपको प्रॉब्लम आ रही है, खाने की व्यवस्था नहीं है आपके पास? बस अब तक तो जो था जी वो खा लिया। ठीक है। हाँ, आप सिलेंडर भी खत्म हो गया है और सब्जी वगैरह को भी परेशानी है, चाय पत्ती दूध वगैरह सभी परेशानी है। तो आप क्या चाहते हो प्रशासन से? बस जी, बस ये चाहते हैं, बस जब तक हम अंदर हैं अपने, जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं होता तब तक अपने अंदर ही रहें, अपने खाने पीने के लिए जो भी मिल जाए सुविधा।